तो हे गाइस वेलकम बैक जीटे में अनदर गेम प्ले वीडियो। भाई आज की वीडियो में आप लोगों को मजा आने वाला है, ऐसा कहना सनी लियोनी का, सॉरी सॉरी ऐसा कहना सनी देओल का है कि मेरी वीडियो में आप लोगों को आज मजा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो भाई सबसे पहले आप लोग रैंप देख लो कि रैंप कैसा है। तो भाई ये रहा अपना तगड़े वाला रैंप, और उससे भी तगड़ा ये रिवर है जो कि 6 किलोमीटर चौड़ा है यार, मतलब सीरियसली 6 किलोमीटर चौड़ा, ऐसा लेस्टर बाबा ने कहा था मुझसे, जो कि मैंने आप लोगों को कह दिया। तो समझ गया होगा कि 6 किलोमीटर चौड़े रिवर को हम आज कंप्लीट करने, मतलब पार करने वाले अपनी इंडियन कार के द्वारा। तो भाई इंडियन कार में अपनी नई न्यू ऐड हुई कार विटारा ब्रदर्स शुरुआत करेंगे, और इस कार से मैं ग्रैंड शुरुआत करने वालों, मतलब कि विली के साथ शुरुआत करूँगा। तो भाई अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो भाई देख लो मस्त विली हुई ना, मस्त हुई ना विली। तो भाई एक और विली करके दिखाऊंगा, मतलब बहुत तगड़े वाली विली से स्टार्ट करेंगे इस चैलेंज को हम अपनी विटारा ब्रदर से, और उम्मीद है मुझे विटारा ब्रदर कर लेगी इस चैलेंज को कम्प्लीट। ऐसा कहना सनी नहीं हो रही, मतलब सनी देओल का है, क्योंकि सनी देओल की फेवरेट कार विटारा ब्रदर है। तो लाइक ठोक दो सनी देओल के नाम पे भाई। अब देखो मस्त मस्त विली दिखाऊँ। अरे यार नहीं नहीं अच्छे से नहीं, मस्त विली से स्टार्ट करेंगे भाई इस चैलेंज को, मैंने पहले ही कहना यही है। तो रेडी हो गाइस, रेडी 1 2 3। भाई क्या मस्त विली हुई है ना, तो लाइक कर देना वीडियो को विली के नाम पे। चैलेंज कंप्लीट हो ना हो विटारा ब्रदर से, विली के नाम पे लाइक कर देना। वो तुम तो खैर पहले ही पता था कि विली के चक्कर में इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाएगी अपनी विटारा ब्रदर। खैर कोई बात नहीं, अपने पास बहुत सारी कार थे, वो कर लेंगे कंप्लीट, वो कर लेंगे विटारा ब्रदर का काम। आप विटारा ब्रदर पे ध्यान मत दो, वो सब अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट कार के पास, जो कि अपनी टाटा नेक्सॉन, जो कि मुझे पूरा उम्मीद है कि इस चैलेंज को ये कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि हम इससे फालतू कार्य नहीं करने वाले हैं। तो फुल स्पीड में जा चुकी है ये, और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जंप लिया है, लाइक सनी लियोनी सनी देओल। भाई साहब क्या मस्त जंप लिया है ना ये, भाई बहुत तगड़ा जंप था टाटा नेक्सॉन। तो भाई टाटा नेक्सॉन ने कंप्लीट कर दिया चैलेंज को, और भाई कोई नुकसान भी नहीं हुआ इस कार को, मतलब मस्त मस्त एक नंबर। तो चलते अपनी नेक्स्ट व्हीकल के पास, जो कि है वेन्यू होंडाई की। तो भाई लाइक कर दें वेन्यू के नाम पे, और जा चुके अपनी वेन्यू फुल रफ्तार के में, फुल रफ्तार में। अब देखने क्या वेन्यू कर पाएगी। भाई जंप तो इसने बहुत तगड़ा लिया है, मुझे लग रहा है कर लेगी ये चैलेंज कंप्लीट। सो यस गाइज, और भाई टाटा नेक्सॉन से भी ज़्यादा लंबा जंप लिया इसने, और भाई बहुत ही तगड़ा जंप था, सीरियसली नहीं गाइज, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जंप था। बस साइड प्रोफाइल इसकी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, और अलाइनमेंट भी इसके ख़राब हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं होता, ठीक हो जाएंगे, लेकिन जंप सीरियसली गाइज बहुत तगड़ा था। जंप के नाम पे, वेन्यू के नाम पे एक लाइक ठोक दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मस्त मस्त वीडियो के लिए। प्लीज़ गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। खैर चलते अपने नेक्स्ट कार के पास, जो कि है हुंडई की न्यू क्रेटा। ओ चलते गाइस, तो ये थी अपनी क्रेटा 2022 मॉडल रेड कलर में। तो भाई अब देखने क्या क्रेटा कर पाएगी चैलेंज कम्प्लीट। शुरुआत करने से पहले टूट गई, खैर कोई बात नहीं अपने चैलेंज पे ध्यान देते हैं। तो खैर फुल रफ्तार में लेके जाएंगे इसको हम। तो स्पीड अप करते हैं पहले, स्पीड अप हो चुके, अब चल चुके, चल जा जा जा, छोड़ दे अब इस क्रेटा, छोड़ दे मतलब ब्रेक छोड़ दे। खैर जा चुके अपनी क्रेटा बहुत ही ज़्यादा मस्त रफ्तार में, अब देखना यह क्या कर पाएगी। भाई जंप तो इसने बहुत ज़्यादा तगड़ा लिया है, भाई कर लिया। अबे यार शिट मैन, इतना तगड़ा जंप होने के बाद भी क्रेटा नहीं कर पाई। खैर इस मतलब रियलिटी मत लेना कि कार ऐसी परफॉर्म करती है रियल लाइफ में भी, ये सिर्फ एक गेम है। गेम में किसी कार को मैं हवाई जहाज बना दूँ और हवाई जहाज को कार बना दूँ, वो अलग बात है। तो खैर कोई बात नहीं गाइस, अपनी क्रेटा नहीं कर पाई, खैर पानी से तो बाहर आ गई, और अब इंजन जाके बंद हुआ। मतलब क्या कमाल की कार है, पानी के अंदर थी जब इंजन बंद नहीं हुआ, पानी के बाहर आने के बाद इंजन बंद हुआ। खैर कोई बात नहीं गाइस, अब अपनी बारी है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर की बारी है, जो कि 4x2 है, फ्रैंकी की कार है। तो अब ये भी जा चुकी, अब इसे भी देखना क्या कर पाएगी चैलेंज कंप्लीट। अगर इसने कर दिया ना तो भाई वीडियो को लाइक करना हो, क्योंकि यार 4x2 है ये, और ये कंप्लीट कर देगी, ऐसा उम्मीद नहीं था मुझे, बट इसने गलत साबित करा है मुझे। भाई बहुत ही तगड़ा जंप, बहुत ही तगड़ा जंप रियली, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर का क्या तगड़ा जंप था। खैर मस्त जंप था, बस साइड और फ्रंट प्रोफाइल बिगड़ चुकी है अपनी कार की, फॉर्च्यूनर लेजेंडर की कार तो बोल नहीं सकते इसको हम, कार कहेंगे तो अपमान हो जाएगा इसका। तुम्हें पता नहीं है, तुम सबको पता नहीं है क्या। खैर कोई बात नहीं, मजाक मस्ती से बाहर आके हटते हुए अब अपनी 3 या 4 कारों ने कंप्लीट करा चैलेंज को। नेक्स्ट कार अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक,
अरे भाई इससे तो मुझे पूरा उम्मीद है, इससे और थार से पूरा उम्मीद है कि ये भाई इस चल से कम्प्लीट कर लेंगे। पहले तो भाई साइड्स मतलब पहले इस गेट को बंद करते हैं, ये तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब दिक्कत हो जाएगी फिर जंप में इसके, फिर तुम लोग मुझे गाली दोगे। गेट बंद करके जंप लगाता नहीं है। अबे गेट बंद करना है माइकल, देखूंगा भाग गया। अबे भाई गेट बंद करना है, ठीक है ठीक है, समझ गया ना, गेट बंद करना है, प्यार के साथ जाओ गेट बंद करो। हाँ सही बच्चे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते यार। गेट बंद हो चुका है, अब पूरा रेस बूस्ट कर लिया, अब छोड़ते ब्रेक को, अब छोड़ दिया ब्रेक, फुल स्पीड में जा चुकी है अपनी स्पीड। कितनी स्पीड है? 200 भाई, 200 पहुंच गई थी। अब देखना ये क्या पार कर पाएगी भाई, पार कर पाएगी क्या, कर लिया पार इसने, तो गाइस पार कर लिया अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक ने। खैर जंप भाई उतना तगड़ा नहीं था फॉर्चुनर के लायक, खैर फॉर्चुनर के लायक प्राइस भी नहीं है इसकी, बस फ्रंट प्रोफाइल बिगड़ चुकी है। इतने प्राइस भाई, इतना कॉन्फिडेंस देखने को कहाँ मिलेगा यार, मतलब 17-18 की आती है और भाई जंप बहुत तगड़ा था, क्रेटा से तो बहुत तगड़े जंप थी इसकी, मानते हो कि नहीं मानते। खैर मैंने ही कहा था कि ये रियलिटी में ऐसे कार परफॉर्म करे ना करे वो मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई ये गेम का सीन है। खैर गेम में हो गया रियलिटी में, थार तो लगती है रेड कलर में एक नंबर की भाई, रेड में क्या जहर लग रही है, मतलब पटोला लग रही है, पटोला अपनी कार। और रियलिटी में हो या गेम में हो, थार ऑफ रोडिंग में जंप में कहीं भी ले जाओ थार को, 4x4 मोड डालो, परफॉर्म इसका करना बेस्ट ही है। अब देख लो भाई साहब 300 रफ्तार पहुंच गई थी इसकी, सबसे लंबा जंप, बहुत ही तगड़ा जंप, ऐसा नहीं देखा है जंप, इतना तगड़ा जंप लगा है थार का। तो वीडियो को लाइक कर देना थार के नाम पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना थार के नाम पे, तो प्लीज इंडियन कार्स के नाम पे अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि माँ बहन की तो भाई कसम दे नहीं सकता तुम लोगों को, तुम गाली 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 वाली बक दोगे। खैर कोई बात नहीं भाई, थार ने चैनल को बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही लंबे जंप के साथ कर दिखाया और सभी कार्स को बता दिया है कि बाप बाप होता है, बेटे बेटे होते हैं, जो कि बेटे पीछे रह गए और बाप आगे आ चुका है। खैर वो बात नहीं है गाइस, भाई मज़ा आ गया, खैर वीडियो बना के भी मुझे और आप लोगों को देख के भी मज़ा आया होगा मुझे उम्मीद है। और ऐसी मस्त वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अनपढ़ नहीं हो, मस्ती के लिए करा था थोड़ा बहुत। खैर बाय बाय गाइस, मिलता है अगली वीडियो में।